दोस्तों, इस झुलसती हुई गर्मी में बाहर से आकर अगर एसी ऑन हो जाए तो ऐसा लगता है कि आप किसी हिल स्टेशन में आ गए। अगर आप भी मेरे तरह अभी एसी खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैंने सोच लिया है अब बस एक एसी खरीद लेते हैं और गर्मी का वट लगा लेते हैं। तो मैंने गूगल के हेल्प से बहुत रिसर्च किए, मेरा पूरा दिन एसी के रिसर्च में चला गया। तो मैंने काफी पॉइंट इकट्ठे किए जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज आपको देखना चाहिए कौन सा रूम में आप एसी लगाते हैं। अगर आपको आपका रूम का साइज नहीं पता है तो मेजर करना पड़ेगा। अगर आपका रूम 100 से 140 स्क्वायर फुट के अंदर आता है तो 1 टन के एसी आप लगा सकते हैं। 150 से 180 स्क्वायर फीट तक आपको 1.5 टन का एसी लगाना पड़ेगा। 180 से 200 स्क्वायर फीट के अंदर आपका रूम अगर आता है तो आपको 2 टन की एसी लगाना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक आंकड़ा है, मगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके रूम में सनलाइट अगर डायरेक्ट आता है या आप फ्लैट के टॉप फ्लोर में रहते हैं, अगर सनलाइट डायरेक्ट आता है और ज्यादा गर्मी पड़ता है तो 1 टन का एसी आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। आपको 1.5 टन का एसी लगाना पड़ेगा। अगर आपके रूम में सनलाइट नहीं आते और एकदम कूल कूल रहता है तो आपके 150 स्क्वायर फीट के रूम में भी 1 टन का एसी चल जाएगा। दोस्तों, एसी 2 टाइप्स के होते हैं, एक विंडो एसी, दूसरा स्प्लिट एसी। ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा एसी आपको लेना चाहिए। विंडो एसी में इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं लगते और लगते भी है तो काफी कम है, और विंडो एसी का प्राइस स्प्लिट एसी से काफी कम है। अब सवाल आता है कौन सा ब्रांड का एसी आपको लेना चाहिए। देखिए, आप किसी भी ब्रांड का एसी खरीद सकते हैं, ये ब्रांड मायने नहीं रखते। कोई भी वेल नोन ब्रांड को लीजिए और ट्रस्टेड शॉप या ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं। एक चीज आपको चेक करना पड़ेगा कि जो ब्रांड आप खरीद रहे हैं उसका सर्विस सेंटर आपके सिटी में है कि नहीं, तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जितना ज्यादा स्टार होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। एटलीस्ट 3 स्टार के एसी आपको लेना चाहिए। 3 स्टार के एसी 5 स्टार रेटिंग एसी से ज्यादा सस्ता है। अगर आप दिन में 2-3 घंटे तक एसी चलाते हैं तो 3 स्टार एसी आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन आपके एसी 6 से 8 घंटे तक चलता है तो आपको 5 स्टार लेना चाहिए। एसी का EER वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही एनर्जी एफिशिएंट होगा। मान लीजिए आप दोनों एसी में कंपेयर कर रहे हैं तो आपको EER वैल्यू देखना चाहिए। जिसका EER वैल्यू ज्यादा है उसको ही परचेस करना चाहिए। और आपको देखना पड़ेगा कितना वाट्स ये खाता है। देखिए, एसी खरीदना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन एसी को चलाना बहुत बड़ी बात होता है, क्योंकि एसी का बिल जब आता है तो फाड़ के आता है, तो उस बिल को देख के आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो आप कोशिश करें ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो उसको ही प्रायोरिटी देने की। EER वैल्यू हाई रहे और वाट लोअर रहे, ऐसा एसी आपको खरीदना चाहिए। उसके बाद आता है नॉइज लेवल। लोगों को नॉइज वगैरह पसंद नहीं होते है, तो नॉइज लेवल को भी आप देख लीजिए, ये कितने डेसिबल का आता है आप जरूर देख लीजिए। इसका डेसिबल का वैल्यू जितना लो होगा उतना ही ये नॉइस कम होगा। एसी में डिस्प्ले है कि नहीं आप चेक कीजिए। आजकल लगभग सभी एसी में ये डिस्प्ले होता है, मगर मेरे ऑफिस में पुराना जो एसी था उसमें ये फीचर नहीं था, तो एसी को टेम्परेचर कितना है वो मालूम करने में मुझे दिक्कत होता था। खराब होने के कारण से उसे बदल दिया गया। खैर, छोड़िए, आते हैं मेन टॉपिक पे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। स्प्लिट एसी 2 टाइप्स के होते हैं, इन्वर्टर एसी और स्टार रेटिंग एसी। स्टार रेटिंग एसी या नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है, सोचिए आप, अगर आपके रूम का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है और आप रिमोट से 22 डिग्री सेल्सियस कर दिए तो कंप्रेसर तो अपना काम शुरू कर देंगे। जैसे ही वो 22 डिग्री में आता है तो कंप्रेसर तुरंत बंद हो जाता है। टेम्परेचर जब धीरे धीरे वापस से बढ़ जाता है, मान लीजिए 24 से 25 के आसपास जाएगा, तो फिर से कंप्रेसर चालू हो जाएगा और फिर से 22 डिग्री में आने की कोशिश करेगा। लगातार ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा, कंप्रेसर ऑन ऑफ होता ही रहेगा। और इन्वर्टर एसी में जो कंप्रेसर है वो वेरिएबल स्पीड में अपने काम कर सकते हैं, जिसमें वो काफी एफिशिएंसी कूलिंग आपको देगा, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आपको देता ही रहेगा नॉइस के बिना। हाँ दोस्तों, इसका नॉइस काफी कम होते है और आपके एसी का बिल कम आएगा नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले, क्योंकि कंप्रेसर कभी बंद नहीं होंगे, ऑन ऑफ नहीं होंगे, वो वेरिएबल स्पीड से काम करते रहेंगे। क्या ये सोचकर आपके मन में लड्डू फूट रहा है? रुकिए दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। इन्वर्टर एसी का प्राइस काफी महंगा है, ये नॉन इन्वर्टर या स्टार रेटिंग एसी से काफी ज्यादा महंगा पड़ता है।
अगर आपके एसी 5 या 6 घंटे तक ही चलते हैं तो 4 रेटिंग एसी चूज कर सकते हैं। अगर आप एसी ज्यादा यूज करते हैं तो आपके लिए इन्वर्टर एसी ठीक होगा। दोस्तों, अगर मैंने किसी भी पॉइंट को मिस किया ऐसा आपको लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। Noria is 40% smaller than standard air conditioners and less than 6 inches tall. Unlike typical window air conditioners, Noria lets you keep your view. Noria is smart. Using Android or iOS, users can control Noria remotely or set a schedule to save power.